आदरणीय प्रधानाचार्य शिष्य और मेरे प्रिय सहपाठियों को सुप्रभात। मेरा नाम रूप कौर है और मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। आज मैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों में से एक पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, जिसे स्वच्छ भारत अभियान के रूप से जाना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि स्वच्छता कुछ वर्षों से सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। देश भर में स्वच्छता की समस्या को से निपटाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। ये अभियान विशेष रूप से लोगों को शिक्षित करने और हमारे प्रवेश में साफ सफाई करने को स्वीकार करने के लिए शुरू किया गया है। ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया था। हमारे भारत के पिता महात्मा गांधी अपने प्रवेश में साफ सफाई में विश्वास करते थे। घर में शौचालय के साथ खुले में शौच प्रणाली को हटाकर ये इसका अभियान है। आसपास के वातावरण में गंदगी को हटाकर बीमारियों को भी दूर किया जाएगा। देश की सफाई हमारे देश की विकास में एक कदम है। इसका लाभ बीमारियों को दूर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हम जलवायु परिवर्तन में भी मदद मिलेगी, क्योंकि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे नदियाँ भी साफ रहेंगी। ये हमारी धरती और हमारी प्रकृति को बचाने के लिए एक अधिक है, जो हमारी गैर पर्यावरण गतिविधियों के कारण दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही है। आइए हमारे देश भारत को स्वच्छ और पतनमुक्त देश बनाने के का संकल्प लें, क्योंकि स्वच्छ भारत साक्षर भारत। धन्यवाद। जय हिंद।